Přestěte! Bátšaně! Sůčíte ho jsi. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारक सानी ते तुसी वेख रहे मेरे यूट्यूब चैनल रैबर एंटरटेनमेंट प्लस। आज बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही बेहतरीन फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र हो रहे हैं। इस फिल्म के अंदर सुल्तान रई, यूसुफ खान, मुस्तफा कुरैशी और इकबाल हसन, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री के चार सुपरस्टार, चार शेरां ने इस फिल्म के अंदर काम किया। अपने दौर की बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही बेहतरीन फिल्म, उस फिल्म का नाम है पुत्र शहीद। फिल्म के अंदर जो टाइटल रोल है पुत्र शहीद, टाइटल रोल अदाकार यूसुफ खान ने अदा किया है। 18 जुलाई 1986 बरोज जुमा रिलीज होने वाली एक रंगीन पंजाबी फिल्म पुत्र शहीद। इस फिल्म का जो मौजू सी एक्शन, लड़ाई, मार कुटाई, दुश्मनी, इंतकाम, पुलिस मुकाबला सी। इस फिल्म के अदाकार सुल्तान रई, अंजमन, नगमा, यूसुफ खान, इकबाल हसन, मुस्तफा कुरैशी, बहार, अलियास कश्मीरी, जहर शाह, अल्ताफ खान, जग्गी मलक, चंगेजी, अजमल खान, मनीर जरीफ, नसरुल्ला भट्ट ते इकबाल दुरानी। हदायत दाऊद भट्ट, फिल्म साज आहद मलिक, मुसनफ मोहम्मद कमाल पाशा ते एदा म्यूजिक दिता है टाफू ने। नाज़रीन, इस फिल्म नू लेट रिलीज़ किया गया सी, जिस दी वजह तो एक काफ़ी मसाइल का शिकार रही और इसके अंदर कोई टेक्निकल गलतियां भी सुन, जिसका जिक्र अगे असी चल के करांगे। और इस फिल्म के अंदर जिहड़ा मेन टाइटल है पुत्र शहीद, पुत्र शहीद का किरदार जिहड़ा अदा किया है यूसुफ खान ने अदा किया है, और उसका नाम जज्जी होता है। जदों मैं घर दे खड़े इकबाल हसन ने शाही पहलवान का किरदार अदा किया है, और उस स्टाइल सिगरेट का कश और भारी बरकम आवाज के डायलॉग डिलीवरी की उन्होंने, और बड़ा ही जबरदस्त काम किया है। सुल्तानी ने रियाज गुजर उर्फ राजू का किरदार अदा किया है, जिहड़ा जजी यूसुफ खान का दोस्त होंदा है। मुस्तफा कुरैशी ने इस फिल्म के अंदर मालके का किरदार अदा किया है, और बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही अच्छा काम किया है। नाज़रीन, इस फिल्म के अंदर क्योंकि ये फिल्म लेट रिलीज हुई है, और इस फिल्म के अंदर अंजमन ते नगमा, हालांकि अंजमन और नगमा की एज काफ़ी सारा फर्क है, लेकिन नगमा भी इस फिल्म के अंदर तुहान बतौर हीरोइन नज़र आएगी, और उसके उत्ते भी गाने पिक्चराइज किए गए। नगमा ने इस फिल्म के अंदर यूसुफ खान की मंगेतर का किरदार अदा किया है, तो अंजुमन ने इस फिल्म के अंदर हसबे मामूल तवाइफ का किरदार अदा किया है, जिहड़ी जज्जी यूसुफ खान के नाल प्यार करती है, और नगमा के नाल उसकी शादी हो जाती है। नगमा चूंकि उसकी मंगेतर होती है, और उसकी शादी अंजमन के बजाय नगमा के नाल उसकी शादी हो जाती, और नगमा ने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग का मुजाहरा किया। नाज़रीन, इस फिल्म की लेट रिलीजिंग की वजह इकबाल हसन की मौत सी, और इकबाल हसन की मौत की वजह तो इस फिल्म काफ़ी सारी टेक्निकल गलतियाँ हुई, और कई सीना च लिंक नुक्स नज़र आया वे, और सुल्तान रई फिल्म के अंदर काफ़ी देर गायब रहा है, और अचानक आंदा है और अचानक गायब हो जाता है, और यह भी एक बड़ा नुक्स नज़र आया है। विलन पार्टी के अंदर इकबाल हसन, जहर शाह, चंगेजी, जग्गी मलक, यानी कि मेन क्रीम जड़ी होती सी उस वक्त विलन पार्टी की, सारी एक तरफ होनी है विलन पार्टी होती, और मुस्तफा कुरैशी और इलियास कश्मीरी समझ लो कि उन्होंने सरबराह होते हैं।
ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਮਾਲਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸਵੇ ਮਾਮੂਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਚੰਦ ਵਿਲਨ ਚੰਦ ਗੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵਿਲਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਦਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲਨ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਗਮਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਮਲ ਖਾਨ ਕੋਲ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅਜਮਲ ਖਾਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਫਿਲਮ ਤੇ ਪਾਰੀਏ। ਓਏ ਓਏ, ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਿਆ, ਕਰੋ ਭੈਣ ਦੀ ਟੋਲੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਫਿਰਾ। ਅਜਮਲ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਮਲ ਖਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰਿਸ ਸਟਾਈਲ ਫਨਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਜਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਰਿਆਜ਼ ਗੁੱਜਰ ਉਰਫ ਰਾਜੂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।